सब गड़बड़ घोटाला हो रहे थे ना वो। हाँ वो उड़ंत स्त्री के बारे में पढ़ गया ना। हाँ, इसी के ऊपर पूरा हंगामा खड़ा हो गया। वो कैसे? तुम लोग बैठो, मैं समझाता हूँ। अरे अनिता तुम भी आओ ना। बात कैसे शुरू हुई थी अनिता? वो बात हाँ पापा ने कहा था। हाँ पापा ने कहा। डार्लिंग जल्दी तैयार हो जाओ, हमें क्लब जानी है। पापा एंड मिस्टर और मिसेस सचदेव अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया अंकल तो वो हमारे पापा के थोड़ी थे। जल्दी तैयार हो जाओ डार्लिंग, वहाँ पर मिस्टर और मिसेस सचदेव हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस दो मिनट में तैयार हो जाती हूँ डियर, थोड़ा सा मेकअप रह गया है। मम्मी मुझे उड़न तश्तरी के बारे में समझा दीजिए ना प्लीज। देखती रही, मैं मेकअप कर रही हूँ। अब मेकअप करो या तुम्हें पढ़ाओ, अपने पापा से क्यों नहीं पूछ रही थी? पापा आप ही समझा दीजिए ना ये उड़न तश्तरी क्या होती है। देखते नहीं, मैं क्लब जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। ये भी कोई समय होता है पढ़ाई लिखाई के लिए? कुछ समय हमारे लिए भी छोड़ोगे? डियर, ये स्कूल ना मास्टरों को मस्ती मारने से फुर्सत मिले तब ना। तो हाँ, तुम्हारे ऊपर वाले होंठ से जरा सा बाहर निकल गया। ठीक कर दो। लो अब ठीक हो गए। अब जरा रूस लगा लो, जरा देखो कहीं ज्यादा ना हो जाए। पिछली बार मिसेस देसाई ने मुझे फूहड़ कह दिया था। डार्लिंग तुम तो बिल्कुल ठीक लगती हो। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे क्लब में सबसे अच्छी तुम ही दिखती हो। डार्लिंग तुम कितने अच्छे हो, हाउ स्वीट। चलो डार्लिंग जल्दी तैयार हो जाओ वरना तो लेट हो जाएंगे और कहेंगे कि हम घर में घुसे बैठे थे। घर घुसू कहीं के। Come on, darling, कोई हमारे बारे में ऐसा कौन कह सकता है? हम तो हफ्ते में 7 दिन क्लब जाते हैं और कभी रात को 11-12 बजे से पहले घर पहुँचते। फिर भी लोग बात करते हैं। रहने दो, वो तो मिसेस देसाई, मिसेस सचदेव और कौन थी? मिसेस जोशी। हाँ, मिसेस जोशी वो है जो हफ्ते में 3 दिन क्लब नहीं आती। कभी कह देती मेहमान गेस्ट आए थे और कभी कह देती तबीयत खराब थी। मैं सब जानती हूँ वो क्यों नहीं आते। डार्लिंग तुम क्यों बातों की पतंगड़ बना रही है? खामखा क्यों इनके पीछे पड़े रहती हो तुम? हाँ तुम तो उन्हीं की तरफदारी करोगी। तुम्हारी चहेती जो है, भला मैं कौन रहती हूँ तुम्हारे? मैं ही बेवकूफ थी जो तुमसे शादी की। और मैं भी उस समय तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था कि मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या मतलब? यानी कि तुम मुझे सचमुच बेवकूफ समझते हो? डार्लिंग मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम जो कहती हो वही सही है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो छोड़ो, रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। अब मुझे फिर से क्लियर करनी पड़ेगी। मम्मी अब तो आप फिर से मेकअप कर रहे हो ना। अब तो मुझे उड़न तश्तरी के बारे में समझा दीजिए। अब क्लब थोड़ी देरी चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां जाके आपको ताश ही तो खेलना है। मम्मी से जुबान लड़ाता है बेवकूफ, तुझे जरा भी मानस नहीं। जी जरा देखो ना इसको। ये स्कूल वाले भी ना बच्चे को बिल्कुल मैनर्स नहीं सिखाते। पापा मैंने कहा बदतमीजी की? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ तुम एक ही तो है इस पूरी दुनिया में ठीक बात कहने वाला बेवकूफ। मम्मी प्लीज उड़न दस्ती के बारे में समझा दीजिए ना प्लीज। स्कूल का बच्चा, कल हाथ मेरी साड़ी में लगा दिया, पूरी साड़ी खराब हो गई। ठहर जा, अभी बताती हूँ उड़न दस्ती क्या होती है। ये होती है उड़न दस्ती। स्कूल वाले भी ना हमारे लिए आफत खड़ा कर देते हैं। अब तो सारा मूड खराब हो गया। अब पहले मूड चेंज करो फिर क्लब जाके ताश खेल सकते हैं। चलो डार्लिंग चलो क्लब जाते हैं। भैया अब उड़न तश्तरी का क्या होगा? किसी को समझते मैं खुद उड़न तश्तरी बन गया। मम्मी क्लब में जाए क्यों बनकर अप टू डेट? साड़ी में के सेंट से जूड़े में है केश, जूड़े में है केश, पढ़ाना तनिक ना आवे,
बच्चे कुछ ने पूछे तो उनको मार भगावे। अनीता अनीता यहाँ पे खड़ी होगी सिर्फ कविता ही सुनाती रहोगी स्कूल में। मेरा भी होमवर्क पूरा नहीं हुआ। तेरा होमवर्क पूरा क्यों नहीं हुआ? भगवान जी की अगर मेरे घर में चलता रहे तो होगा कहाँ से पूरा होगा? ये जय भगवान जी की तुम्हारी अम्मा हर वक्त बोलती रहती है ना? मेरी अम्मा ना एक चीज है। चीज? तुम्हारे बापू कौन से कम है? तुम्हारे बापू से तो कम ही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे बापू मेरी बात कैसे मानते हैं? हाँ हाँ पता है पता है। तो मेरे घर के बता। चलो 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 तू बैठ जा। मैं इधर बैठता हूँ, तुम उधर। हाँ शुरू करें। चलो चलो तुम्हारे बाप की तरह बनता हूँ। Thank you.